करंट अफेयर्स हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ की। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लाला लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। विराट कोहली वनडे और 2020 टीम के कप्तान बने। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी का निधन। नोवाक जोकोविच ने कतर ओपन खिताब जीता। सानिया मिर्जा ने ब्रिस्बेन महिला युगल खिताब जीता। पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित। करंट अफेयर्स विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी कौशल विकास योजना आरंभ की। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी भारतीयों का कौशल विकास करना है। इस कार्यक्रम में विदेशों में रोजगार तलाश रहे भारतीय लोगों को चयनित किया जाएगा तथा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। वैश्विक बाजार में जिन क्षेत्रों की मांग अधिक है, सरकार द्वारा उन्हीं क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाएंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में लाला लैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार। रायन गॉसलिंग को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला। फिल्म लाला लैंड ने अब तक के सबसे अधिक 7 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त किए। 74वें गोल्डन ग्लोब कार्यक्रम में भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा भी मौजूद थी। विराट कोहली वनडे और 2020 टीम के कप्तान बने। महेंद्र सिंह धोनी द्वारा कप्तानी छोड़े जाने के बाद कोहली को यह दायित्व सौंपा गया। विराट कोहली इंग्लैंड के साथ होने वाली आगामी क्रिकेट सीरीज में भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी टीम में बतौर विकेटकीपर एवं बल्लेबाज बने रहेंगे। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी का निधन। उन्हें राजनीति एवं कारोबार दोनों में चतुराई भरे कदमों तथा साख की वजह अकबर शाह जैसे उपनाम दिए गए। उन्होंने ईरान में पहली बार 1980 के दशक में परमाणु हथियार बनाने का विचार व्यक्त किया था। वे वर्ष 1989 से वर्ष 1997 तक देश के राष्ट्रपति रहे। नोवाक जोकोविच ने कतर ओपन खिताब जीता। जोकोविच ने शीर्ष वरीयता प्राप्त एंडी मरी को फाइनल मुकाबले में हराकर कतर ओपन खिताब जीता। नोवाक जोकोविच का जुलाई 2016 के बाद से यह पहला खिताब है। एंडी मरी हारने के बावजूद शीर्ष पर बने हुए हैं। सानिया मिर्जा ने ब्रिस्बेन महिला युगल खिताब जीता। सानिया मिर्जा ने अमेरिका की बेथानी माटिक सैंस के साथ मिलकर ब्रिस्बेन महिला युगल खिताब जीता। पिछले 91 सप्ताह से सानिया शीर्ष स्थान पर थी, लेकिन इस खिताब के बाद वे दूसरे स्थान पर आ गईं। उनकी जोड़ीदार माटिक सैंस पहले स्थान पर आ गई हैं। पाकिस्तान ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 450 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली यह मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में अंडरवाटर कंट्रोल्ड प्रोपल्शन और कंट्रोल्ड नेविगेशन जैसी विशेषताएं हैं। इस मिसाइल को पनडुब्बी से भी छोड़ा जा सकता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो चौथी बार फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित। रोनाल्डो ने लायनल मेसी को पीछे छोड़ते हुए चौथी बार यह पुरस्कार प्राप्त किया। रोनाल्डो इससे पहले 2008, 2013 तथा 2014 में भी यह पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। वे एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 4 बार यूरोपियन गोल्डन शू अवार्ड जीता। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।